क्या हार मैं क्या जीत मैं, किंचित नहीं भयभीत मैं, संघर्ष पद पे जो चला मैं भी सही वो भी सही। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। जैसे कि आपको पता है, टेस्ट सीरीज वन और टेस्ट सीरीज टू सक्सेसफुली कंडक्ट हो गई हैं, और टेस्ट सीरीज टू का जो आंसर की हो गया रिजल्ट था वो बस बचा हुआ था, उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो है। आपको रिजल्ट कहाँ से चेक करना है, अपना आंसर की पेपर कहाँ से देख सकते हैं, लेकिन उन सब बातों को बाद में करते हुए सबसे पहली बात करते हैं कि सर आप लोगों ने जो गलतियाँ की हैं टेस्ट सीरीज टू में, पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दिए गए थे कि टेस्ट सीरीज वन में कि आपको ये सब गलतियाँ नहीं करना है टेस्ट सीरीज टू में, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वही गलतियाँ दोहराई हैं। उस गलती को आगे ना करना पड़े वो की सारी चीज़ इंस्ट्रक्शन आज हम आपको देंगे, क्योंकि गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गए उनके एग्जाम के अप्रोक्स 20 दिन बचे हुए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय उनके एग्जाम को अप्रोक्स 30 दिन बचे हुए हैं। अप्रोक्स हम मान के चलते हैं आपके पास 1 मंथ है, तो 1 मंथ में क्या स्ट्रेटजी रहने पर चाहिए आपकी, क्या स्ट्रेटजी से आप पढ़ेंगे, कैसी तैयारी आपकी चल रही, वो सारी बातें आज हम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों के उन चेहरों से मिलवाते हैं जो टेस्ट सीरीज टू में टॉप किए हैं, उन चेहरों को आप सबसे पहले देख लें, फिर आपका रिजल्ट हम बताते हैं कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। क्योंकि मैंने बोला था जो टेस्ट सीरीज वन में यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं टेस्ट सीरीज वन में भी टॉपर्स थे, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज टू में आप यहाँ पे होने चाहिए। वही है कि टेस्ट सीरीज टू में देखते हैं कौन कौन टॉपर है। टेस्ट सीरीज वन में आंचल सेकेंड रैंक लाई हैं, DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय BA में ये फर्स्ट रैंक लाई हैं, सेकेंड रैंक है इनका आंचल, ये सेकेंड रैंक, हाँ सर सेकेंड रैंक, 102 नंबर है इनके, और गोरखपुर विश्वविद्यालय BA में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। पहली जब पहला टेस्ट सीरीज वन हुआ था उसमें भी इन्होंने फर्स्ट रैंक अचीव किया था DDU BA में। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रैंक LUBSC, ये रुचि सिंह हैं जिन्होंने थर्ड रैंक, 130 नंबर आए हैं 200 में से। अस्मृता थर्ड रैंक आए हैं, एक बार आप लोगों को बड़ा करके दिखा देते, इसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अस्मृता थर्ड रैंक, LU LLB PG के कोर्सेज हैं, उन्होंने थर्ड रैंक यहाँ पे लाए हैं और 145 नंबर, काफ़ी अच्छा स्कोर है। अमरीश यहाँ पे थर्ड रैंक लाए हैं 156 नंबर 200 में से गोरखपुर विश्वविद्यालय BA में। ये आपके टॉपर्स हैं, ये आपके बीच के स्टूडेंट्स हैं, कोई ये अलग नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पे वैष्णवी राय, ये LU BLLB का कोर्स आपको पता है कि बहुत ही कम सीटें होती हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, फॉर्म भी ज़्यादा पड़ते हैं, इसमें कंपटीशन ज़्यादा है, 157 नंबर, काफ़ी अच्छा स्कोर किया वैष्णवी राय ने BLLB लखनऊ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्रुव यादव, जो कि फर्स्ट रैंक लाए 142 नंबर गोरखपुर विश्वविद्यालय BSc AG की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, अभी आपको डिस्कस करेंगे। शिवांगी रावत फर्स्ट रैंक 170 नंबर लखनऊ विश्वविद्यालय BA, ये जो स्कोर है 170 नंबर आप जो देख रहे हैं ये काफ़ी अच्छा स्कोर है BA वाले बच्चों के लिए। अगर आप 140 150 160 नंबर ला रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय BA में, तो आपको जो आपके फेवरेट मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। रिया गुप्ता फर्स्ट रैंक LLB लखनऊ विश्वविद्यालय में, LLB में रिया गुप्ता फर्स्ट रैंक 151 मार्क्स, काफ़ी अच्छा मार्क्स है। आलोक सिंह थर्ड रैंक 164 नंबर लखनऊ विश्वविद्यालय BA, इनको भी मनपसंद सब्जेक्ट मिलेंगे। अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे, 100 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर, 70 नंबर, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई भी सब्जेक्ट दे दिए जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आपको BA करना है लखनऊ विश्वविद्यालय से तो आपको अच्छे सब्जेक्ट से करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 160 170 नंबर लाने पड़ेंगे। ये भी आपके टॉपर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे गरिमा यादव गोरखपुर विश्वविद्यालय BLLB, सेम चीज़ है वहाँ भी है, BLLB की सीट्स वहाँ भी कम है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको BLLB में, 140 नंबर काफ़ी अच्छा है इनका। न्यू है मैविश कुरेशी फर्स्ट रैंक MGKBP, अगर MGKBP के बच्चे देख रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, 308 नंबर BA में, काफ़ी अच्छा स्कोर है। शिवम कुमार गोरखपुर विश्वविद्यालय LLB 156 नंबर लाए हैं। साक्षी पांडे 168 नंबर DDU BBA प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज में 168 नंबर आए हैं तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पेपर इतना ईजी आता नहीं है सर जी। दिव्यांश थर्ड रैंक 140 BCA, ये भी प्रोफेशनल कोर्स है, 140 नंबर BCA BBA के लिए परफेक्ट है, आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकते। ये सर जी बातें हो गई आप लोगों के टॉपर्स की, जो बच्चे टेस्ट सीरीज टू में टॉप किए हैं, लेकिन कुछ बच्चे और हैं जिन्होंने रैंक लाए हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अच्छा स्कोर किया है, उनसे भी हम लोग मिल लेते हैं एक बार। जैसे हम सबसे पहले आ जाते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय पर, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब हम देखेंगे BA का, देखेंगे शिवांगी रावत 170 नंबर, यहाँ से हम देखेंगे 170 नंबर
और यहाँ पे हम देखेंगे उजाला सिंह, उजाला सिंह, आलोक सिंह 164 नंबर, और बीएससी बायो अनु 146। ये सर प्रयाग सर आ चुके हैं, प्रयाग सर अब आपको कंटिन्यू करेंगे। सर क्या बच्चे, सर रैंक देखिए बच्चों की, सर 156, 100 नंबर देखिए सर 144। सर क्या है ये बच्चे, सर कोई बच्चे अलग नहीं है, ये इन्हीं बिल्कुल से आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि टारगेट गुरुकुल की परंपरा रही है कि जो बच्चे टेस्ट में पार्टिसिपेट करके अपना नंबर लाते हैं, जी सर, पिछले 2 साल से ये रहा है कि उनका परफॉर्मेंस इंट्रेंस लेवल पर भी अच्छा रहा है, जी सर, और उन्होंने भी टॉप किया है। काफ़ी बच्चे तो ऐसे रहे जिन्होंने टारगेट गुरुकुल के टेस्ट में टॉप किया और साथ ही साथ इंट्रेंस एग्जाम में भी टॉप किया है। पिछली बार यही हुआ था सर, जो पोस्टर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया बच्चे सेम यूनिवर्सिटी टॉपर हो गए। बिल्कुल, और सर एक बार कन्फ्यूजन भी हुई थी कि मतलब यहाँ के हैं, पुराना वाला पोस्टर है या फिर नया वाला है, फिर दिक्कत हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इस बार सर बताइए बच्चों को सर कौन कौन से नाम, कितना अच्छा मार्क्स, कितना क्या और स्कोर है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी का देख सकते हैं, बीए की बात करें, बीए का, ठीक है, तो बीए में यहाँ पे शिवांगी रावत, ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप 170 नंबर लाई हैं, ठीक है, और मैं यहाँ से डिक्लेयर कर रहा हूँ कि 170 नंबर अगर आप लाई हैं तो आपका एडमिशन तो होगा ही होगा, और प्लस अगर आप हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रही हैं, ठीक है, तो आपका श्योर विदाउट एनी डिस्टर्बेंस आपका यहाँ पर जो एडमिशन है वो हो जाएगा हॉस्टल में भी, ठीक है जी सर। और इसके लिए अगर एडमिशन की बात करें तो 110 से ज़्यादा नंबर आना होता है, लेकिन आपको फेवरेट सब्जेक्ट जो भी आप चाहेंगी वो आपको मिलेगा, ठीक है। सेकंड रैंक यहाँ पे उजाला सिंह की 168, आप भी उसी रेंज में हैं। आलोक सिंह जिनकी थर्ड रैंक है वो भी इसी रेंज में है, बहुत ही सेफ स्कोर है आपका, आपको कोई मतलब टक्कर नहीं दे सकता है। इवन आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोग रैंक के लिए फाइट करेंगे अगर आप इतने नंबर ले हैं, 150 प्लस किसी का आया तो समझ लीजिए रैंक की होल्डिंग्स में आप में रहेंगे, ठीक है। सेम चीजें बीएससी बायो हो गई, बीएससी मैथ, बीएससी बायो में भी यही है, हम नाम ले लेते हैं, अनु 146, वर्चस्वी गुप्ता 132, रुचि सिंह थर्ड आई है 130, एमएससी मैथ्स में पलक सिंह का 156, वैभव शुक्ला का सेकंड, सर ये नंबर काफी अच्छे, भाव्या 163 नंबर, वो भी बीकॉम में, बहुत बढ़िया। भाव्या का देखिए फर्स्ट रैंक आई है बीकॉम में 163, ठीक है। कसक चौरसिया 159, और यहाँ पे देखिए मैं भूल गया था, आद्या का भी 116 आया है, और मनप्रीत का यहाँ पर आया है बीकॉम में जो कि 152 है, ठीक है सर। बकाया सर जैसे बीएलएलबी हो गया सर, बीबीए हो गया, ये सब सर प्रोफेशनल कोर्सेस है, इनमें 157, 144, 132 नंबर काफी बड़ी बात है सर। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, और दिखाता है कि मतलब वास्तव में आप लोग रैंक के लिए फाइट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि ये गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चे, गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी मतलब कोई कमी नहीं है कहीं पर, ठीक है, तो रैंक के लिए तो फाइट करने के लिए आपने मुहर लगा दी है। बीए में देखिए अमृता यादव, ठीक है, 166 रैंक फर्स्ट यहाँ पे होल्ड की है, रैंक सेकंड यहाँ पे आंचल गौंड ने, ठीक है, 162 नंबर के साथ, और अम्बरीश यहाँ पे 156 के साथ थर्ड रैंक पे यहाँ पर आए हैं, ठीक। बीएससी मैथ्स में बात करें तो नम्रता 108, लक्ष्मी कुमार 104, और निशा उपाध्याय क्रमशः 104 यहाँ पर आए हैं। बीकॉम में वैभव यादव 164, वैष्णवी श्रीवास्तव 160, सक्षम सिंह 154, एलएलबी में अगर देखा जाए तो फर्स्ट रैंक के साथ शिवम कुमार 156, श्वेता प्रजापति 140, और रेणु वर्मा 136। बीएलएलबी हो गया, बीएससी एजी, बीसीए, बीबी, आप लोग सब देख लिए जिन जिनके नाम है, 140, 142, 164, 168, 168 सर टॉपर्स हैं सर, ये 100% यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं बच्चे, कहीं और से टॉपर नहीं मिलेंगे, यहीं से टॉपर ये चले जाएंगे यूनिवर्सिटी में टॉपर। बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, आप खुद रिजल्ट देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमजी के बीपी के, जहाँ पे एलएलबी बीए नरेंद्र मिश्रा 312, मैविस 3, ये सब आप लोग देख लीजिए क्योंकि दो ही कोर्सेज हैं, बाकी बच्चों का रिजल्ट थोड़ा कम अच्छा था इस वजह से यहाँ पे कोट नहीं किया है। सर ये बात तो होगी सर रिजल्ट की कि रिजल्ट बच्चों का ऐसा आया है, कुछ बच्चों का रिजल्ट कम भी आया, लेकिन अब दिक्कत बच्चों के सामने ये कि अब क्या करें बच्चे, क्योंकि बात गोरखपुर विश्वविद्यालय में 20 दिन बचे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में 30 दिन बचे हैं, तो क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इन लोगों को। सर अब तो बस एक ही स्ट्रेटजी है, आप ऐसे मोड पे आए हो कि अब आप चीज़ों को समझो कि हम उसे कभी सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है उसका अच्छे से रिवीजन मतलब तैयारी कर लें तो नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक काम है आपका और वो है रिवीजन। अब बात आती है सर रिवीजन कैसे करें, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में तो बहुत सारा कोर्स है, तो भैया जहाँ पर आकर के यहाँ पे बच्चे जो टॉप कर रहे हैं कहीं से नहीं है, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर टारगेट गुरुकुल के बैचेस ज्वाइन किए हैं, क्योंकि इनको यहाँ पे परफेक्शन बताई जा रही है कि आपके लिए कितना पढ़ना है आपको इंट्रेंस एग्जाम के लिए, और जो संघर्ष 2.0 है ये पूरे तरीके से आपकी डिमांड को फुलफिल करता है। डिमांड कैसे, आपकी नीड है एमसीक्यू, लेकिन यहाँ पे विद कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे जो भी है जी सर उसी लिए कराया जाता है। हम लोगों ने, हमारी टीचर्स, हमारी बैकएंड की टीम, सारी चीज़ों ने 25 डे हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट किया कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और बच्चों ने भी सर एक्सेप्ट किया। सर रेगुलर बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं, जो 1 जून से हम लोगों ने स्टार्ट किया था 25
डे का हार्ड चैलेंज सर सक्सेसफुली हो, बच्चे रेगुलर पढ़ भी रहे उसमें, अगर आप उसको सर ज्वाइन कर लेते हैं 25 डे हार्ड चैलेंज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये देखिए आप, ये देखिए ये देख सर 11 शेड्यूल भी आप लोगों को पहले से रिवील कर दिया जाता है, 11 ताकि आप खुद को प्रिपेयर कर सके। आपको दो दिन पहले ग्रुप में शेड्यूल भेज दिया जाता है, आपकी अकाउंट लीगल पॉलिटी केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट आपका डेली छूटेगा नहीं सर, टाइमिंग भी बता दी जाए, टाइमिंग उस टाइम पे आप रेडी रहिए क्लासेस अटेंड के लिए। ये जो 20-30 दिन आपके बचे हैं एकदम बच्चों लग जाइए, आपको दो चांस मौका, टारगेट गुरुकुल आपको दो मौका दे चुका है, टेस्ट सीरीज 1 टेस्ट सीरीज 2, अगर आप लोग बोलेंगे तो टेस्ट सीरीज करा देंगे, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा मौका मांगेंगे सर, सर जो बच्चों ने टेस्ट सीरीज 1 और टेस्ट सीरीज 2 में अच्छे नहीं कर पाया सर, उन बच्चों के लिए सर क्या है संदेश है सर? देखिए अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे सटीक सजेशन यही है हमारा कि ये जो 25 दिन के लिए आपका कोर्स तैयार किया गया है, संपूर्ण 25 दिन में संपूर्ण तैयारी आपके सिलेबस को ध्यान में रख के इसे आप कंप्लीट कीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, टेस्ट सीरीज हम आपसे करवाएंगे और देखना कि क्या लेवल आप पकड़ पा रहे हैं अपना। वास्तव में कल का आपका भी इसी तरह नाम यहाँ पर आएगा, ये हमारी गारंटी है, अगर यहाँ पे आप 25 दिन से लगन से लेकिन मेहनत से, ऐसा नहीं कोर्स ले लिया पढ़ा है, लगन से मेहनत से नोट्स बना के विद नोट्स आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जी सर, ये बच्चों तो टारगेट गुरुकुल जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करिए, जिन बच्चों ने डाउनलोड किया ऑलरेडी 25 डे का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए हम लोगों के साथ और इसको सर ज्वाइन कीजिए। अब सर हम बात कर लेते हैं कि जो बच्चों ने सर रिजल्ट भी देख लिया कि अब अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे, जो बच्चों का टेस्ट सीरीज 2 हुआ था अब वो अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे, सबसे पहले उनको क्या करना है, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप ओपन कर लेना है, वहाँ पे आपको एक फोल्डर मिलेगा टेस्ट सीरीज का, आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना, देन आपका ऐसा सिनेरियो ओपन होगा टेस्ट सीरीज का जिसमें आपका लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, गोरखपुर विश्वविद्यालय, MGKBP, AULLB, यहाँ पे आप अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना, लखनऊ सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे आपको जिस भी कोर्स का आपने टेस्ट दिया है वो टेस्ट ओपन होके यहाँ पे ऑप्शन आएगा व्यू रिजल्ट, व्यू रिजल्ट पे करेंगे आप और ये देखिए सर पूरा स्कोर आप देख सकते हैं, रैंक स्कोर परसेंटाइल करेक्ट इनकरेक्ट एक्यूरेसी, ये और आप डिटेल में चले हैं कितने अटेम्प्ट किए कितने नहीं अटेम्प्ट किए, सारा कुछ आपको डिटेल्ड रिजल्ट मिल जाएगा और आप चेक कर सकते हैं कि अभी आप कितने पानी में हैं और कितनी मेहनत की अभी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम जब बात करेंगे आपकी, ये रिजल्ट हो गया आपका, नेक्स्ट हम बात करेंगे आप इसकी आंसर की कहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको ये रिजल्ट जो सर पेपर हुआ है, बच्चे सर कमेंट में बोल रहे सर इसका पेपर सॉल्व कराया जाए बिल्कुल आंसर की सर, तो सर बच्चों को बताइए जरा आंसर की कहाँ से ले सकते हैं वो। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है टेस्ट सीरीज का जो आपका रहा है ये टेस्ट सीरीज 2 थी आपकी, डाउनलोड आंसर की फ्रॉम द टेलीग्राम लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जितने भी ऑफिशियल हैंडल हैं टारगेट गुरुकुल के कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदा देते हैं, वही काम आपका टेलीग्राम करता है क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ठीक है, और आपको टेलीग्राम बहुत ही ईजी है, बस डाउनलोड करना है जाके, वहाँ पे आपको टारगेट गुरुकुल का जो चैनल है वो ज्वाइन करना है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज का जो लिंक है इसका आंसर की का वो मिल जाएगा, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्ट जाकर के आप लॉगिन कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको जितने भी पेपर हुए हैं सबका आंसर की बेस पेपर मिल जाएगा। और सर ये एक बड़ी बात यह है कि हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो भी बच्चों के पेपर हुए हैं ऐप में सबको सॉल्व करा दिया जाएगा, बिल्कुल BA का अलग पेपर सॉल्व होगा, BSc का अलग पेपर सॉल्व होगा, तो आपने जहाँ गलतियाँ की हैं सर बताएंगे कि कैसे सर पेपर सॉल्व हुआ है, सर क्या क्या करना है सर बताइए, सर कैसे पेपर सॉल्व होगा कैसे बताइए जरा। आपने पहला टेस्ट दिया है, आपने सेकंड टेस्ट दिया है, आने वाले समय में जो भी टेस्ट होंगे आपके उन सबको मिलाकर के एक प्रकार से आपके लिए मॉडल पेपर का काम कर रहे हैं जी जी। और सारे क्वेश्चंस वही लिए जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, पहले हम चीज डिक्लेयर कर चुके हैं। बच्चे गलती किए, मैंने बच्चों का सर डेटा एनालिसिस किया है, बच्चों ने गलती ये कि जैसे आपके 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का आपका पेपर होता है, तो बच्चे सर 70 क्वेश्चन ही करते हैं, आप बताइए सर जो 30 क्वेश्चन छोड़ दिए इनका क्या होगा, इनको जरा बताइए, देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर मैं आपको सेशन देता हूँ, आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो पहले आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए जो आपको आते हैं, सबसे पहला आपको 70 आते हैं 70 अटेम्प्ट कीजिए, बाकी के 10-15 मिनट जो भी बचेंगे आपको स्किप नहीं करना है, कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं करना है, ड्रॉप मत करना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, आप गलत भी कर देंगे तो आपको वैसे भी नंबर नहीं मिलना है, नंबर ऐसे भी नहीं मिलना, लेकिन है सर कुछ चांसेस तो रहेंगे बच्चों को मार्क्स आएंगे, बिल्कुल सर कोई बच्चा सर 40 क्वेश्चन कर रहा है उसने 60 में तुक्का लगा दिया, 60 में तुक्का लगा दिया, हो सकता है कि 60 में मैं मान के चलता हूँ हार्डली आपके हार्डली आपके 20 से लेकर 25 सही हो जाएगा, आपसे आगे निकल जाएगा 20 से 25 तो नंबर आपके ही मिल गए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एकदम संकल्प लेके जाना है एंट्रेंस एग्जाम, 100 के 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो भी उसको गलत भी हो गया कोई नहीं, आप करो उसे अटेम्प्ट तो करो। ये सारी बातें होगी, आपको टेस्ट सीरीज का रिजल्ट बता दिए कैसे देखना है, आपके टॉपर्स के अनाउंस हो गए, लिस्ट सारी चीजें आपके टॉपर्स, आप लोगों के लिए सारी गुड न्यूज है
जो टारगेट गुरुकुल फैमिली है उसके लिए सारे गुड न्यूज लाए हैं, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए सर गुड न्यूज ये है कि एग्जाम 10 सर ओनली फॉर टुडे, बारह जून का ये कूपन है सर, एग्जाम 10 आपको अप्लाई करना है आपके कोर्सेज पे, बीए बीएससी बीकॉम 25 डे हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करना है आपको, और आपको एग्जाम 10 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, 10% ऑफ ऑन ऑल कोर्स, सभी कोर्सेज पे आप ये कूपन कोड यूज करके 10% की छूट प्राप्त कर सकते हो। बहुत अच्छा मौका है केवल आज के लिए, आज के लिए रात के 12 बजे तक जाइए और इसको ज्वाइन कीजिए और 25 डे का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। थैंक यू।